बुलेट एंड पैनकेक्स, जिसके राइटर हैं अशोका मित्रन। दोस्तों इस स्टोरी के वो भी एक पार्ट है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पैनकेक्स मतलब एक मेकअप ब्रांड है जो कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर यूज होता है। हर स्टेट्स के लोग इस जेमिनी स्टूडियो में काम करते हैं। इसके अंदर एक मेकअप रूम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट लगी हुई है और यहाँ पे इतना ज्यादा मेकअप यूज किया जाता है कि अच्छे से अच्छा इंसान भी बुरा लगने लगता है। इस मेकअप रूम में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनके भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आप मेन मेकअप आर्टिस्ट लीड एक्टर और एक्ट्रेस के मेकअप करेगा, असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट बाकी सारे एक्टर्स के जो साइड रोल करते हैं उनके मेकअप्स करेगा, और एक इसके अंदर एक ऑफिस बॉय है जो कि क्राउड का मेकअप करता है, मतलब जितने भी क्राउड के जब क्राउड का सीन आता है तो उसके ऊपर मेकअप करा जाता है, उसके लिए एक ऑफिस बॉय रखा गया। अब ये ऑफिस बॉय कुछ इस तरह से मेकअप करता है जैसे कि दीवार पे पेंट कर रहा हो। हमारे अशोका मित्रन जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं वो जेमिनी स्टूडियो में क्या काम करते थे, वो न्यूज़पेपर की कटिंग करके एक कॉपी में चिपकाते रहते थे और यही उनका काम था। अब ये ऑफिस बॉय एक आदमी से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था जिसका नाम कोथ मंगलम सुब्बू था। अब ये इस जेमिनी स्टूडियो में सेकेंड रैंक पे आता था, मतलब बहुत ज़्यादा सीनियर आदमी था ये स्टूडियो में। हालांकि ये ऑफिस बॉय जितना पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा सुपीरियर पोस्ट मिली। अब ये एक ब्राह्मण भी था, इस वजह से इसको और ज़्यादा इज्जत मिलती थी, साथ ही साथ एक डायरेक्टर भी था और बहुत अच्छा एक्टर था, और इसने एक नॉवल भी लिखी थी जिसका नाम था थिलानम मोहन अम्बल। अब इस जेमिनी स्टूडियो में एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी था जहां पर एक वकील था जिसका नाम सबने इनलीगल एडवाइजर रखा था। अब ये इनलीगल एडवाइजर क्यों नाम रखा था, क्योंकि ये काम थोड़े से इनलीगल टाइप के करता था। असल में एक बार एक एक्ट्रेस एक किसी के ऊपर चिल्ला रही थी तो इसने उसकी वीडियो बना ली थी, जिस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करना पड़ा और इनकी इस हरकत की वजह से उसको उस एक्ट्रेस को अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई। इस वजह से वो स्टोरी डिपार्टमेंट जो हमारे जेमिनी स्टूडियो के ओनर थे उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। जेमिनी स्टूडियो में बहुत सारे प्रसिद्ध पोएट आया करते थे और यहाँ का खाना खाया करते थे क्योंकि उनको यहाँ का खाना बहुत पसंद था और सब लोग बैठ के बहुत सारी बातें भी करा करते थे। अब 1952 में MRA यहाँ पे इंडिया में आई और उन्होंने यहाँ पे दो नाटक किए जिसका नाम था जोनाथन वैली और द फॉरगेटन फैक्टर, और ये नाटक बहुत ज़्यादा फेमस हुए और बहुत सारे लोगों को पसंद आए। अब जेमिनी स्टूडियो में एक बहुत बड़ा आदमी आने वाला था इंग्लैंड से, और जो कि वो एक एडिटर था, और जो हमारे SS वासन जो हमारे जेमिनी स्टूडियो के मालिक हैं वो भी एक एडिटर रह चुके थे, तो वो भी एक एडिटर थे, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि एक एडिटर से मिलेगा। जब वो आता है तो SS वासन एक बहुत अच्छी स्पीच देते हैं, उसके बाद वो आता है और उसकी स्पीच को देने के लिए जब SS वासन बुलाते हैं तो वो एक अपनी लंबी चौड़ी स्पीच देता है, लेकिन SS वासन और जितने भी लोग होते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है और ये स्पीच एक रहस्य बन के रह जाती है। उसके बाद एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपता है कि इंग्लैंड में एक शॉर्ट स्टोरीज का कॉम्पिटिशन हुए वाला है। अब उस समय एक ब्रिटिश काउंसिल नाम से एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक बुक ढूंढते हैं जिसका नाम होता है द इनकाउंटर। अब द इनकाउंटर में जब ये एक एडिटर का नाम पढ़ते हैं कि इस बुक का एडिटर कौन है, तो ये थोड़े से शौक हो जाते हैं, जिसमें लिखा रहता है स्टीफन स्प्लेंडर। अब ये स्टीफन स्प्लेंडर कौन था, स्टीफन स्प्लेंडर वही था जो कुछ समय पहले इंग्लैंड से आया था, उसने स्पीच दी थी जिससे किसी को समझ में नहीं आई थी, लेकिन इस बुक का जो एडिटर था वो ये था। इनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि हमारे ही जेमिनी स्टूडियो में ये बंदा आया था, इसने स्पीच दी थी। एक बार ये मद्रास माउंट पे पोस्ट ऑफिस के सामने एक दुकान लगी रहती है, पुस्तक की दुकान मतलब बुक स्टोर लगी रहती है, जहाँ पे जाके ये एक बुक उठाते हैं जिसका नाम होता है द गॉड डेट फील्ड। उसमें 6 राइटर्स होते हैं जिसमें से एक राइटर का नाम होता है स्टीफन स्प्लेंडर। जी हाँ, ये फिर से वही आदमी होता है जो आया होता है जेमिनी स्टूडियो में, और उनको फिर से एक बार बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, और यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है।